खेल खेलना किसे पसंद नहीं होता, और अगर किसी खेल में बहुत शानदार करियर बनाया जा सके तो कहना ही क्या। ऐसे खेल से यूथ जरूर जुड़ना चाहते हैं, और अगर किसी खेल के साथ पैशन भी जुड़ जाए तो ऐसे खेल उस खिलाड़ी के लिए ब्राइट फ्यूचर लेकर आते हैं। ऐसा ही एक खेल है कार रेसर बनने का खेल, जिसमें बहुत सारा एडवेंचर है, थ्रिल है, रिस्क है और पैशन भी है। ऐसे में आज क्विक सपोर्ट आपके लिए कार रेसर बनने से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आया है, ताकि कार रेसर बनने से जुड़ी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाए और आप समझ जाएं कि कार रेसर बनने के लिए आपको कौन कौन से पड़ाव पार करने होंगे और किस तरह की तैयारी रखनी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कार रेसर बनने का पूरा प्रोसेस। हो सकता है कि कार रेसर्स को देखकर आपका भी मन करता हो कार रेसर बनने का, लेकिन एक अच्छा कार रेसर बनने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा और इसकी तैयारी करनी होगी। गो कार्ट ड्राइव करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कार रेसिंग आपके लिए सुटेबल है या नहीं, और ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है गो कार्ट ड्राइव करके देखना। गो कार्ट ऐसी स्मॉल रेसिंग कार होती है जिसकी स्केलेटन बॉडी होती है और ये लाइट वेट होती है। इसे चलाने से आपको पता चल जाएगा कि कार रेसिंग आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है या नहीं। अगर गो कार्ट चलाने का आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे तो समझ लीजिए कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सीरियस होने का टाइम आ गया है, यानी अब आपको रेसिंग के फील्ड में उतरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अपने नजदीकी रेस ट्रैक का पता लगाइए। एक अच्छा कार रेसर बनने के लिए आपको रेस ट्रैक पर प्रैक्टिस करनी होगी, इसीलिए अपने नजदीकी रेस ट्रैक का पता लगाइए, ताकि वहां होने वाली रेसेस में आप शामिल हो सके और नए नए एक्सपीरियंसेस की शुरुआत हो सके। ध्यान रखें कि शुरुआत में कार रेसिंग की बजाय कार्ट रेसिंग का हिस्सा बने, क्योंकि रेसिंग कार खरीदना और इसे मेंटेन करना बहुत महंगा होता है और आप अभी लर्निंग फेज में हैं, इसीलिए कार्ट खरीदना या रेंट पर लेना अफोर्डेबल होगा। रेसिंग क्लास ज्वाइन कीजिए। भले ही आप कार्ट रेस में अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल कार रेसर बनना है तो इसके लिए रेसिंग क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि आप एक गुड ड्राइवर की स्किल्स और स्ट्रेटजीज को सीख सकें। प्रैक्टिस करिए। कार रेसिंग की क्लास अटेंड करना ही काफी नहीं होगा, इसके साथ आपको रेसिंग की बहुत प्रैक्टिस भी करनी होगी, तभी आप प्रैक्टिकल नॉलेज पा सकेंगे। इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करिए। रेस कार ड्राइविंग की स्टडी करिए। कार रेसर बनने के लिए आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, लेकिन उसके साथ अगर आप कार रेस से जुड़ी बुक्स और वीडियोस भी देखने लगेंगे तो इस खेल से जुड़ी बारीकियां समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस में भी दिखाई देगा। एडवांस क्लासेस लेने से बिल्कुल मत चूकिए। एक बार कार रेसिंग की क्लासेस लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको इससे जुड़ी सभी जरूरी चीजें समझ आ गई। इसीलिए इसमें बेटर देन बेस्ट परफॉर्म करने के लिए एडवांस क्लासेस भी जरूर लीजिए और अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर करते जाइए। वर्कआउट करिए। कार रेसिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए न केवल रेसिंग से जुड़ी स्किल्स बढ़ानी होगी, बल्कि ऐसा वर्कआउट सेशन भी शुरू करना होगा जिसमें रनिंग, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग जैसे वर्कआउट शामिल हो। अपनी बॉडी को प्रोफेशनल एथलीट की तरह ट्रेन करिए। इसके अलावा एक प्रोफेशनल कार बनने के लिए आपका मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। अब कॉम्पिटिशन की बारी है। अब रेस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनने की बारी आती है। इसके लिए आपको स्पोर्ट्स कार क्लब की मेंबरशिप लेनी होगी, ताकि आप रेसिंग से जुड़े कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बन सके। अब रेस कार लेनी होगी। अभी तक भले ही आपने कार्ट से प्रैक्टिस की हो, लेकिन अब कार रेस का हिस्सा बनने के लिए आपको कार रेस खरीदनी होगी। रेस कार खरीदने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लें, क्योंकि ये कार ऑर्डिनरी कार से डिफरेंट होती है, और आपके पास एकदम परफेक्ट रेस कार होने पर ही तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन में अच्छे से हिस्सा ले पाएंगे। इसके लिए आप पुरानी और छोटी कार ले सकते हैं, क्योंकि भले ही आप रेस में हिस्सा लेंगे, लेकिन अभी तक आप लर्निंग फेज में ही हैं। ऐसे में ओल्ड कार अफोर्डेबल रहेगी, जैसे माज़दा मियाट्स और पोर्शे 914। आप रेस कार रेंट पर भी ले सकते हैं। आप चाहे कार रेंट पर लें या फिर ओल्ड खरीदें। ये ध्यान रखें कि उसमें रोल केज और 5-पॉइंट सीट बेल्ट जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स जरूर हों, और रेस से पहले ये चेक कर लें कि आपकी कार में सभी जरूरी गियर हैं और सभी सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी हैं, जैसे फायर प्रूफ रेसिंग सूट, फायर प्रूफ हेलमेट, फायर प्रूफ ग्लव्स, फायर प्रूफ शूज और फायर एक्सटिंग्विशर। कार रेसिंग का हिस्सा बनने के लिए आपको लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी। लाइसेंस के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके बाद आप फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया FMSCI की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने से पहले इससे जुड़ी जरूरी इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह जरूर पढ़ लें। ट्रैक रेसिंग का लाइसेंस बनाने के लिए आपका FMSCI में लिस्टेड किसी क्लब का मेंबर होना जरूरी है।
क्योंकि लाइसेंस बनवाने के लिए आप डायरेक्ट FMSCI में अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि इन क्लब्स के थ्रू ही आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। स्पॉन्सर या टीम से जुड़िए। इतनी सारी मेहनत कर लेने के बाद जब आप कार रेसिंग कॉम्पिटिशन्स में सक्सेसफुल होने लगते हो तो आपका एक टीम या स्पॉन्सर से जुड़ने का समय आ जाता है। इसके अलावा एक मैकेनिक को भी अपनी टीम में शामिल करिए जो आपकी रेस कार से जुड़े इश्यूज को तुरंत ठीक कर दे। रेस ट्रैक पर अच्छा परफॉर्म करने के बाद आप बड़े कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएंगे और इस तरह फेमस कार रेसर्स की तरह पॉपुलर और सक्सेसफुल होने का आपका सपना भी सही ट्रैक पर दौड़ने लगेगा। एक बढ़िया कार रेसर बनने से जुड़ी सारी जानकारी लेने के बाद अब थोड़ी बात करते हैं इंडिया में मोटर स्पोर्ट्स से जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स की। मोटर स्पोर्ट्स, टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर, पिछले 6 दशक से इंडिया का एक स्पोर्ट रहा है, लेकिन लास्ट कुछ इयर्स में इस स्पोर्ट्स में बूम आया है और आज ये इंडिया का एक पॉपुलर स्पोर्ट बन गया है। इंडिया में द फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया FMSCI मोटर स्पोर्ट्स को कंट्रोल करती है, जो डिफरेंट क्लब्स द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले इवेंट्स के लिए गाइडलाइंस, टेक्निकल रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करती है, जिसने फॉर्मूला 1, F1 जैसे स्पोर्टिंग इवेंट को सैंक्शन किया है। इसके अलावा इंडिया में एक और एसोसिएशन है जिसका नाम है मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया MIA, जो FIA फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल की मेंबर है। कार रेसिंग से जुड़े बहुत से कॉम्पिटिशन्स अब इंडिया में होने लगे हैं, जैसे इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप INRC, और यहाँ कार रेसिंग से जुड़े कोर्सेज करवाने वाले इंस्टीट्यूट्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, जैसे मैको मोटर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई और रायो रेसिंग पुणे। कार रेसिंग से जुड़े कॉम्पिटिशन्स में आप रेड डी हिमालय जैसी रैली में भी शामिल होने के बारे में सोच सकते हैं, जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रैली रेड है। और दोस्तों अब आपको बताते हैं इंडिया की टॉप 5 मोटर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के नाम। नारायण कार्तिकेयन, करुण चंदोक, अरमान इब्राहिम, आदित्य पटेल और गौरव गिल। कार रेसिंग को करियर के तौर पर देखा जाए तो अगर आप एक सफल कार रेसर बनते हैं तो आसानी से लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन इस खेल में आगे बढ़ते रहने और जीतने के लिए पैशनेट होना, स्किल्ड होना और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा इससे जुड़े एक्सपेंसेस उठाने के लिए भी आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि ये एक महंगा खेल है। तो दोस्तों क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि कार रेसर बनने से जुड़ी सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। और आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिलहाल अभी दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात बहुत जल्द आपसे होगी हमारे नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।